ब्रेक्सिट, थेरेसा मे की संसद में हार के बाद पांच संभावनाएं। यूके की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के अलग होने के बारे में यूरोपीय अधिकारियों के साथ जो समझौता किया था उसे लेकर वो मंजूरी दिलवाने संसद में गई और संसद ने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में समझौते के पक्ष में 202 वोट आए और 432 सांसदों ने इसके विरोध में मत किया और अब विपक्षी लेबर पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया जिसके पारित होने का मतलब है कि थेरेसा मे की जो सरकार है उसका अंत। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार शाम यानी 17 जनवरी 2019 को मतदान होने की संभावना है। अब पांच संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं अविश्वास प्रस्ताव के आने पर। पहला है, यदि विश्वास प्रस्ताव आया, लेबर पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव का मकसद प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाना है। अगर ये पास हो जाता है तो 14 दिन के भीतर नई सरकार का गठन करना होगा। इन 14 दिनों के भीतर या तो मौजूदा सरकार या नई सरकार विश्वास मत ला सकती है और इसे जीत कर सत्ता में बनी रह सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव करवाना पड़ सकता है। ऐसी नौबत आई तो 25 कार्य दिवस के बाद किसी भी दिन चुनाव हो सकते हैं। यदि कोई समझौता नहीं हुआ तब क्या स्थिति हो सकती है? अगर कुछ नहीं होता तो अपने आप एक स्थिति आ जाएगी जिसे हार्ड ब्रेक्सिट कहा जाता है, यानी 29 मार्च को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा और फिर आगे उनके बीच कैसा व्यापारिक संबंध रहता है इसे लेकर एक नए समझौते पर चर्चा शुरू हो गई है। या फिर हो सकता है कि नए सिरे से मोल तोल हो। चूंकि संसद ने समझौते को नकार दिया है तो अब सरकार यूरोपीय संघ के साथ नए सिरे से चर्चा का सुझाव रख सकती है, मगर इसमें समय लगेगा और इसके लिए 29 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। 29 मार्च 2017 को वो दिन था जब ब्रिटेन सरकार ने आर्टिकल 50 को लागू किया था जिसके तहत ठीक 2 साल बाद ब्रेक्जिट लागू होना है। लेकिन समय सीमा बढ़वाने के लिए 2 चरण जरूरी हैं। पहला चरण क्या कहता है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के पास इसका आग्रह भेजना होगा और इसके लागू होने के लिए इसे सभी यूरोपीय देशों में पारित करवाना जरूरी होगा। दूसरा, ब्रिटेन सरकार को अपने कानून में एग्जिट डे की परिभाषा बदलवाने के लिए बदलाव करने होंगे जिसे संसद के सामने वोट के लिए रखना होगा। लेकिन यूरोपीय संघ यदि दोबारा चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ तो सरकार को दूसरे विकल्प पर विचार करना होगा। तीसरा मत है चुनाव का। थेरेसा मे अगर विश्वास मत हासिल कर लेती हैं तो वो शायद ये फैसला कर सकती हैं कि इस गतिरोध की स्थिति से बाहर आने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि चुनाव करवाया जाए। अगर वो जीत जाती हैं तो उन्हें अपने समझौते के लिए राजनीतिक समर्थन मिल जाएगा, मगर चुनाव हारने पर उनके सत्ता से बाहर होने का भी खतरा है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरमी कार्बिन भी चुनाव की मांग करते रहे हैं मगर थेरेसा मे इससे पहले हमेशा इनकार करती रही हैं। थेरेसा मे में केवल अपने बूते दोबारा चुनाव नहीं करवा सकती, समय से पहले चुनाव करवाने के लिए 2/3 सांसदों से अनुमति लेना भी जरूरी है। चौथा विकल्प है कि दोबारा जनमत संग्रह कराया जाए। सरकार ब्रेक्सिट पर दोबारा जनमत संग्रह करवाने का भी फैसला कर सकती है अगर वो भी अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए भी नियम कानून बने। हालांकि थेरेसा मे इस संभावना से इनकार कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इसके लिए सहमति बना पाना काफ़ी मुश्किल होगा।